पाइप लीक हो रही है, जिस कारण काफी बड़ा गड्ढा हो गया है और जब भी इस पाइप से पानी छोड़ा जाता है तो ये पानी सड़क पर बहता है। स्थानीय निवासी सुरेश कुमार, बीडीसी सुरेंद्र कुमार सहित अन्य ने बताया, प्रतिदिन एक या दो पहिया वाहन इस गड्ढे के कारण गिर जाते हैं, जिससे वाहन सवार चोटिल होते हैं। जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों को इसके बारे में अवगत करवाने पर भी समस्या का हल नहीं हो पाया है। उन्होंने आईपीएच विभाग से आग्रह किया है जल्द से जल्द इसे ठीक किया जाए। क्या मामला, क्या है मामला? है जी, कोई प्रतिदिन प्रतिदिन ज्यादा खड्डा हो रहा है। शासन की भी यहाँ सारे गए हो रहे हैं, बोले आईपीएच चढ़ रहे हैं, बोले इलेक्शन है बाद इलेक्शन भी ये कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अच्छा, तो दो तीन एक्सीडेंट हो चुके हैं, मतलब स्कूटरी या वगैरह बाइक का, तो हाँ फिर भी ताली मौके फोन किया जी हो रहा है कि भाई गल हुई है ना, इसे ठीक करो, शासन कोई सुनवाई नहीं करा रहा, तो कोई ना कोई दुर्घटना होनी है बड़ी। हाँ जी, पंचायत बीडीसी सुरेंद्र कुमार, हाल ही में जो हमारा एनएच हाईवे है 32 मीटर रानीताल, उसमें जो खुदेड़ पंचायत के समीप 100 मीटर पीछे जो है मेन हाईवे पे एक खड्डा पड़ा हुआ है, और जिसमें इतनी बड़ी लापरवाही है कि उसमें 2 या 3 बार पहले एक्सीडेंट हो चुके हैं। यहाँ पे बाइक्स बाड़े गिरे हैं, जिनको घायल होकर हमने CSC में हॉस्पिटल में जो है उनका इलाज करवाया प्राथमिकता, लेकिन हमने जो है 3 या 4 दिनों से हम लगातार एक्शन और जे और SDO को सूचित कर रहे हैं, लेकिन वह कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। मुझे लगता है कि प्रशासन में सिर्फ अपनी रोजी रोटी तक ही सीमित है, और हमने IPH के जेई तक को भी फ़ोन किया है, लेकिन अभी तक वहाँ पे पानी की जो है निकासी निकल रहा है, पानी सड़कें भी और इतना बड़ा खड्डा होने के बावजूद जो है इतनी बड़ी लापरवाही, तो मैं समझता हूँ कि जो प्रशासन है ये पूरी तरह लापरवाह बना हुआ है और किसी तरह की अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेता, और इनको सिर्फ अपनी नौकरी तक ही इसी में तो होना पड़ता है, क्योंकि इनकी नौकरी में इनको पैसे मिल जाते हैं लाखों करोड़ों रुपए जो है जनता के टैक्स से, लेकिन इनको जब काम के लिए बोला जाता है तो ये लोग टाल मटोल करते हैं और बहानेबाजी करते हैं। आज जब हमने JEPWD को फ़ोन लगाया तो उनका जवाब सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं कि चेतावनी बोर्ड लगाना हमारी जिम्मेवारी नहीं है, हमें और बड़े काम हैं। मुझे लगता है सरकार को ये देखना पड़ेगा कि इनको और क्या काम होते हैं। मुझे लगता है और इनको ये काम होते हैं कि ठेकेदारों के साथ मिलके कहीं देखना होता है कि हमारी कमीशन कहाँ बच रही है, किस रोड पे हमारी जो है कमीशन बचती है और किस रोड से हमें बेनिफिट होगा, क्योंकि जब भी जनता जनार्दन कोई गरीब वर्ग या किसी लोग जो है आवाज़ उठाते हैं तो इन लोगों ने अपने फ़ोन स्विच ऑफ कर देने होते हैं और एक दूसरे पे बात डाल देनी होती है कि हमने इस विभाग को बोला उस विभाग को बोला, लेकिन अगर इसकी जिम्मेवारी 24 घंटे के अंदर PWD विभाग और IPH विभाग नहीं लेता है तो मैं कड़ी शब्दों में उनकी निंदा करता हूँ और उनका उनके ऊपर जो है प्रशासनिक कार्रवाई। हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए इंडिया लाइव न्यूज 24x7, इंडिया लाइव न्यूज 24x7।